केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां के जनमानस को देश की मुख्य धारा में शामिल कर ऐतिहासिक कार्य किया है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जिस तरह से आम जनमानस के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उससे सभी वर्गों का समुचित विकास हो रहा है। नेतृत्व ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा है, उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता बनाए जाएंगे और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। शनिवार को गोरखपुर जिले में प्रथम आगमन पर नेपाल कल्लम में हुए जोरदार स्वागत के दौरान वो मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोरखपुर की जनता और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से स्वागत किया है, वो आने वाले समय में भाजपा के लिए शुभ संकेत है। स्वतंत्र देव का जिले में सीमा सिहापार हाल्ट सहजनवा बोक्ता कालेसर नौसर सहित अन्य जगहों पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेपाल क्लब में महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह और बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपेंद्र दत्त शुक्ल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया सामने कुर्सियां हैं उनमें बैठने का कष्ट करें। मंच के कुर्सियां मेरी खाली हैं, आकर के बैठने का कष्ट करें। मंच के दाएं सभी सागर है, कृपया मानव पटने का कष्ट करें। महापौर सीताराम जायसवाल जी, समीर सिंह जी, विनोद पांडे जी, रमेश सिंह जी, राकेश सिंह पहलवान जी, आप सभी से आग्रह है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का मानवता का स्वागत करें। क्षेत्रीय कोषाध्य आकर्षित करें विधायक ललन प्रसाद त्रिपाठी जी, बेचक रमेश पटेल जी, श्याम नारायण दुबे जी, छोटेलाल मोहरा जी, आप सभी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह है भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़ी जी से आग्रह है की स्मृति चिन्ह लेकर भेंट करें। नितिन श्रीवास्तव जी, इनका यह स्थल है नेपाल क्लब, अजय सिंह संजू जी, पवन सिंह जी, अरुण त्रिपाठी जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, रवि प्रताप सिंह राजू जी, देश के गौरव बिहारी वाजपेयी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। ये सभी का जो सपना था मित्रों, जो सोच थी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, जो सोच थी 370 और 35 माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री के नेतृत्व में एक कलंक बिल्कुल मिट चुका है और कश्मीर में खुशहाली है। पहली बार ये घटना हो जाए मुसलमान
कश्मीरी पंडितों, ये सभी लोगों ने स्वीकार किया मित्रों, और ये लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, जो 370 पैटी से हटा है ये राष्ट्र के हित में है, गरीब के हित में। मित्रों एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर, आज ज्यादा नहीं बोलना है मित्रों, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय अमित शाह को तालियों के घर, सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आप सब कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूँ, सभी लोगों से जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है, एक गरीब की जिम्मेदारी है, इसे अपने आचरण व्यवहार में, अपनी वाणी पर आप सब संयम रखो मित्रों, क्योंकि आपके बदौलत 2014, 2017, 2019 का जो रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश के ईमानदार कार्यकर्ताओं के बदौलत, उत्तर प्रदेश के परिश्रमी कार्यकर्ताओं के बदौलत ये रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है मित्रों। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में वंदन करता हूं, और 2022 में भी आप ही के द्वारा नैया पार होगी, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में नैया पार होगी मित्रों। इसलिए आप सब कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक दूसरे का सम्मान करें। ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोटिंग हुई है, इसलिए जो भी जितने भी लीडर हैं, नेता, जितने भी लोग हैं मित्रों, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हैं, हमारे विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, चाहे दलित शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, किसी जाति का हो, सभी लोगों की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है, क्योंकि सभी ने मोदी जी को वोट दिया है मित्रों, और कमल को वोट दिया है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, और सभी का विकास करना, भले कष्टों में रहें, अधिकारी कर्मचारियों से सामंजस्य बैठा कर और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करके गरीबों के कल्याण का संकल्प लेना है, गरीबों का विकास करना है। माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करो मित्रों, सभी को पक्का मकान मिलेगा, सभी के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचेगा, अब पहुंच चुका है, सभी के घरों तक 24 तक आते आते टोटी का एक नल भी पानी का पहुंचेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। आयुष्मान भारत से 5 लाख का जो इलाज के पैसा पहुंच रहा है वो पहुंचेगा, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चाहे शौचालय के लिए शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों का कर्ज माफी हो, ये सब पहुंचेगा मित्रों। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप जिसको माल्यार्पण करना है एक बार करें, क्योंकि हमें मेरठ भी जाना है मित्रों, हमें ट्रेन भी पकड़ना है, ये इसलिए विलम्ब ना हो जाए, इसलिए आप सबसे जो गलती है, मंच पर बैठे हैं, सभी नेताओं का भाषण होना होगा।